Hello, my dear children, this is Shika Arora, and today we are going to start with class 8 science, chapter number 5, that is conservation of plants and animals. So, let's begin this chapter. The aim of this chapter is biodiversity, importance of biodiversity, threats to biodiversity, consequences of deforestation, wildlife in danger, conservation of forest and wildlife. एंडेमिक स्पीशीज एंड रेड डाटा बुक सी द वॉर्म अपन इंटरेस्टिंग स्लोगन टू एनकरेज पीपल टू सेव ट्रीज एंड वन स्लोगन टू सेव एनी एंडेंजर्स स्पीशी ऑफ योर चॉइस तो यहाँ पर आप एक अपनी पसंद का स्लोगन लिखेंगे टू सेव ट्रीज एंड हेयर यू विल राइट अ स्लोगन फॉर टू से एनिमल्स बायो डाइवर्सिटी ना वॉट इज़ बायो डाइवर्सिटी चिल्ड्रेन बायो मीन्स लिविंग एंड डायवर्सिटी मीन्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रेजेंट होते हैं ना यू अगर आप अपने आसपास ही देखो तो क्या है वहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के प्लांट्स दिखाई देंगे अलग अलग टाइप के ट्रीज दिखाई देंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखाई देंगे इंसेक्ट्स दिखाई देंगे तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं ये बनाते हैं बायो द वायटी विच इज़ प्रेजेंट अमंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एन एरिया कॉन्स्टिट्यूट्स द बायो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड दस द वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन और हैबिटेट अलोंग विद इंटरक्शन विद वन अनदर इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी. इन शॉर्ट बायोडायवर्सिटी डिफाइन्स द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम नाउ व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इको इज अ बैलेंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड अगर आप कहीं की भी बात करें तो हम जैसे जैसे ह्यूमंस हैं प्लांट्स हैं ये सब के सब नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड हैं लाइक like ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन हम जिंदा ही नहीं रह सकते कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन है प्लांट्स के लिए क्यों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही प्लांट्स जो हैं वो खाना बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यही खाना तो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसिस सो देयर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड विच इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम some countries such as india have rich biodiversity ranging from tropical rainforest to desert type of vegetation and from alpine vegetation to mangrove forest many varieties of flora and fauna can be found due to presence of different type of forests now what is flora flora is the plants and fauna means animals So, fauna par india india has a wide range of biodiversities हमें यहाँ पे बहुत बहुत टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं एनिमल्स देखने को मिलते हैं सो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही रिच है रेन फॉरेस्ट हैज़ हाइस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम ऑन अर्थ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स फ्लोरा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इट्स फोना बायोडाइवर्सिटी इज हाइएस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन वार्म ट्रॉपिकल रीजन क्या है बच्चों कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम आपको सारी की सारी कंडीशंस जो हैं जो कि चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को थ्राइव करने के लिए वो यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं इसीलिए यहाँ पर हमें रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है वाइल्ड मरीन बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटेस्ट नियर द कोस्ट लाइन्स ऑल द लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं उसको हम डालते हैं बायोटिक फैक्टर्स में इनहैबिटिंग अ रीजन एंड इट्स नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स जो कि होते हैं ए बायोटिक कॉम्पोनेंट और इन दोनों का ही इंटरेक्शन जो आपस में होता है इसको हम बोलते हैं इको सिस्टम द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गनाइज ऑर्गेनिजम्स एंड क्लाइमेट इंक्लूडिंग वेदर कंडीशन एंड सीजन आर कॉम्पोनेट्स ऑफ इको सिस्टम द कॉम्पोनेंट ऑफ इको सिस्टम आर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरक्ट विद ईच अदर जैसे कि अगर हम एक लैंड बेस्ड इको सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है सॉइल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गैनिजम्स प्रेजेंट है ये क्या करते हैं ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं और सॉइल को रिच बनाते हैं सॉइल को न्यूट्रिय जो जो उसको न्यूट्रिय चाहिए वो न्यूट्रिय उसको प्रोवाइड करते हैं फिर यही न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद वाटर इज बाय प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर फूड और यही फूड जो है बाद में दोबारा दूसरे एनिमल्स जो है वो कंज्यूम करते हैं सो so हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक जो इको है उसमें लिविंग कॉम्पोनेंट एज वेल एज नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट लाइक एयर सॉयल वाटर सब के सब आपस में इंटर डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ इंटर करते हैं मेकिंग द सॉयल फर्टाइल

To study an ecosystem, one must understand its living as well as non-living component. Now, what are the importance and uses of biodiversity? Biodiversity बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्यों है आइए डिस्कस करते हैं जैसे कि फर्स्ट है फूड द फूड वी कंज्यूम तो हम क्या करते हैं इस फूड के अंदर हम बहुत सारे वेराइटीज के प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं इवन एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग्स चीज मीट ये सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं टुडे वी न्यू प्लांट्स एंड एनिमल वेराइटीज़ आर बीइंग डेवलप्ड एंड प्रोपोकेटेड विद हेल्प ऑफ ओल्ड वराइटीज़ तो आजकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि हम नई वेरायटी जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती है वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द ओल्ड वेराइटीज़ तो ये सब हम कब कर सकते हैं जब हमें बायोडाइवर्सिटी की समझ हो प्रोवाइडिंग हाइयर ही बेटर क्वालिटी ऑफ फूड नाओ सेकेंड यूज़ इज़ ड्रग्स एंड मेडिसिन सो जितने भी प्लांट्स हैं बहुत सारे प्लांट्स आपने ऐसा देखा होगा जिनके थ्रू हमें मेडिसिन मिलती है लाइक कफ एंड कोल्ड होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं हम तुलसी यूज़ करते हैं नीम नीम हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ सो ये सारी चीज़ें जो हमें प्लाट्स से मिलती हैं जितने भी ड्रग्स हैं मेडिसिन हैं ये सब हमें तभी पता चल सकता है जब हमें उस जगह की बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान पहचान हो यूकुलिप्टस ट्रीज यूकुलिप्टिस ट्रीज जो हैं वो एक टाइप का ऑयल यील्ड करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूकलिप्टस ऑयल जो कि यूज किया जाता है टू रिलीव द बॉडी फ्रॉम पेन्स प्लांट्स आर मेजर सोर्स ऑफ मेनी मेडिसिन एस्प्रिन द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग वॉज ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बाक ऑफ विलो ट्री मॉर्फिन यूज टू रिड्यूस पेन इज ऑपटेन फ्रॉम पॉपी प्लांट एनक्विन विच इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्राम द सिंकोनाप ट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी हम प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं जैसे रबर हो गया लैट्रिक्स हो गया या लेदर है लेदर हम लेदर के लिए हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं सो so दीज जितनी भी हमें ये सारी चीज़ें हैं प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी हो We obtain many industrial products from plants such as oil, lubricants, perfume, fragrance, and fibers. Animals also provide us a wide variety of products including wool, silk, black, fur, honey, and leather. Tourism and recreation. People travel from one state to another or from one country to another to visit the national park, wildlife sanctuaries, reserves, zoos, and forests. देन एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट गार्डनिंग बर्ड वॉचिंग कीपिंग पेड्स एंड एकवेरियम आर अ सोर्स ऑफ जॉय एंड नॉलेज तो ये बच्चों को जॉय तो प्रोवाइड करते ही हैं उनको हैप्पी करते हैं उसके अलावा ये उनको उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हैबिटैट के बारे में जानकारी भी देते हैं मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसिडर्ड पायर्स एंड वर्शिप्ड इन आवर कंट्री जैसे कि हम पीपल की पूजा करते हैं तुलसी की पूजा करते हैं सो so, हम तभी कर सकते हैं जब हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी हो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस हम सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं वही सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं टू मेक द फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथिस और यही फूड एनिमल्स कंज्यूम करते हैं टू हैव एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज when they die they are decomposed by the decomposers that is microorganisms and the energy is again released back into the atmosphere biodiversity helps to maintain ecological balance plants trap solar energy which get recycled through the living world via food chain and also helps recycle nutrients additionally they regulate the water cycle and stabilizes soil by preventing erosion so the wikipedia is मे ट्वेंटी टू इज सेलिब्रेटेज एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ना चिल्ड्रेन हैवे लुक ऑन एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फोना फाउंड इन योर लोकेलिटी तो आप यहाँ पे जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनके बारे में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एनिमल्स के बारे में एंड यू कैन राइट एनी ऑफ द कमेंट अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो रीजन्स फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो सबसे बड़ा कारण है ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अर्गनाइजेशन तो जब हम पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो देर इज़ मोर डिमांड फॉर द लैंड लैंड चाहिए नहीं तो वो रहेंगे कहाँ पर दूसरी बात है फूड के ऊपर डिमांड बढ़ जाती है तो फूड खाना है तो इसके लिए एग्रीकल्चर करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड चाहिए जहाँ पर हम कल्टिवेशन कर सकें सो so इसके लिए भी हम फॉरेस्ट कवर को रिमूव करते जा रहे हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इज सफरिंग अ लॉट The human population is growing at a very fast rate. Along with urbanization, it's leading to various type of pollutions. Overgrazing. Overgrazing by animals also makes the fertile land. जितना fertile land होता है उसको barren कर देता है क्या होता है कि जो plants की roots होती हैं वो ही soil को अच्छे से bind करके रखती हैं to prevent soil erosion by water or by wind. लेकिन जब plant cover ही नहीं होगा तो roots bind किसको करेंगी तो जो टॉप्स फर्टाइल लेयर ऑफ सोइल है वो इजीली रन ऑफ हो जाएगी अलोंग विद वाटर एंड विंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मेक्स द फर्टाइल लैंड बैरन एंड इनहॉस्पिटेबल फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम एंड रिजर्वयर हैज आल्सो डिस्ट्रॉयड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वेरियस प्लांट्स एज़ वेल एज़ एनिमल्स एसिड रेन एक्सेसिव पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स एटमोसफेयर में रिलीज़ हो रहे हैं जैसे कि सल्फर डाईऑक्साइड नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये क्या करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज तो ये जब पानी के साथ कम्बाइन करते हैं दे फॉर्म डायल्यूट एसिड विच कम्स डाउन टू अर्थ अलॉन्ग विद रेन और ये ही है जो प्लांट्स में एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज को उत्पन्न करने में आ, सक्षम है

तो इसकी वजह से क्या है कि इनका जो नंबर है जो तो टॉप कार्निवोर्स हैं उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होने लग गया तो इसी की वजह से इकोलॉजिकल नेचर में क्रिएट होने लग गया था हंटिंग फॉर कमर्शियल पर्पज एंड रिक्रिएशन कॉज सीवियर डिस्ट्रक्शन टू वाइल्ड लाइफ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी तो सबसे बड़ा थ्रेट क्या है वो है डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग और जब हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए लैंड्स को रिमूव करते हैं फॉरेस्ट कवर को रिमूव करते हैं तो हम क्या रिमूव कर रहे हैं हम प्लांट्स को रिमूव कर रहे हैं तो जो ये प्लांट्स होते हैं दे आर द नेचुरल अबोर्ड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स तो हम उनका भी घर डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन

हमें कंस्ट्रक्शन करना है पेपर के लिए हमें वुड चाहिए तो इसके लिए भी पेड़ों को काट दिया जाता है मोर लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन ओवरग्रेजिंग बाई कैटल्स लीड टू डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर रिजल्टिंग इन डिफॉरेस्टेशन तो अब इस डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होंगे तो वो है कि जैसे जैसे हम ट्रीज को काटते जाएंगे तो क्या होगा ट्रीज जो है यही है वो जो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं तो क्या होगा जब ट्रीज ही नहीं है तो रूट्स बाइंड किसको करेंगी तो सॉइल के जो पार्टिकल्स है दे विल बी एक्सपोज टू वाटर एंड विंड और जो ये विंड है ये अपने साथ में फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल को भी कैरी अवे कर ले जाएगा जिसकी वजह से लैंड जो है वो बैरन हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन टू डेजर्टिफिकेशन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लीड टू इरोजन ऑफ टॉप सॉयल Which reduces the fertility of the soil since lower layer contains less humus. Increased soil erosion can convert fertile land into a desert, leading to desertification. Deforestation leads to an increase in temperature and pollution level on Earth. A aapko pata hai ki that trees play a very important role in maintaining the water cycle. पानी वाटर वेपर की फॉर्म में ट्री से भी इवेपोरेट होता है प्लांट से भी इवेपोरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन दिस वाटर वेपर जब ये हायर लेवल में जाता है एटमॉस्फेयर में जाता है वहाँ ये कंडेंस हो जाता है एंड इट फॉर्म्स क्लाउड्स दस ब्रिंगिंग बैक रेन्स तो क्या होगा क्लाइमेट में भी चेंज हो जाएगा तो अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स ही कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं टू मैन्युफैक्चर फूड लेकिन अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्सॉर्ब कौन करेगा जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा सो इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग इंस्टेड स्टेट एज अ रिजल्ट द वॉटर साइकिल इज डिस्टर्ब एंड देर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रेनफॉल विच कॉजि ड्राउट ट्रीज अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथिस

तो इसकी वजह से पानी जो है पानी भी सॉइल के अंदर सीप आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि सॉइल में जो पानी होता है वो प्लांट से तो यूज़ करते हैं ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे ना ही प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे तो हमारा ग्राउंड लेवल का जो वाटर है अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो टेबल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा

फॉरेस्ट कवर ही हटा दिया तो वो जानवर जाएंगे कहा वो कहाँ रहेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट कवर लीड्स टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फर्दर इन लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ ओवर ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन के अंदर चिल्ड्रन क्या इंक्लूड होता है ये है इनलीगल हंटिंग अब कुछ लोग अपने फन के लिए फॉर द रिक्रिएशन पर्पज जानवरों को मारते हैं या फिर जानवरों को मारा जाता है फॉर देयर स्किन फॉर देयर बोन्स और देयर टस्क सो so, इन सबको इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है इसीलिए लोग जो हैं हंटिंग को प्रेफर करते हैं लेकिन हंटिंग की वजह से जो इलीगल हंटिंग होती है जिसको हम पोचिंग बोलते हैं इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होती है इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं इसीलिए हमें इलीगल पोचिंग को रोकना चाहिए इलीगल हंटिंग और पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ अनादर मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स आर इलीगली हंटेड फॉर देयर स्किन बोन्स और टास्क लीडिंग टू द एंडेंजरमेंट ऑफ द स्पीशीज देर आर वेरियस लेवल ऑफ एंडेंजर्डमेंट इंक्लूडिंग थ्रेटेंड एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट तो थ्रेटन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो लाइकली हैं टू गेट एंडेंजर्ड अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया अगर हमने उनकी पोर्चिंग नहीं रोकी तो जो थ्रेटन स्पीशीज हैं उनको एंडेंजर्ड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा थ्रेटन स्पीशीज आर एनिमल्स दैट फेस सीरियस प्रॉब्लम एंड मे बिकम एंडेंजर्ड इफ देयर इशूज आर नॉट एड्रेस्ड द हाउस हैज बीन इंक्लूडेड इन आई यू क्या है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाउस पैरो को जो आप छोटी सी चिड़िया देखते हो ना अपने घर के आसपास उस तक को थ्रेटन स्पीशीज की कैटेगरी में डाल दिया है एंडेंजर्ड स्पीशीज आर द वन विच आर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ इफ वी डू नॉट लुक इन टू द प्रॉब्लम अगर हम उनकी इलीगल हंटिंग को नहीं रोकते हैं तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं वो अर्थ के फेस से एक दिन वाइप आउट हो जाएंगी आर दोज लाइकली टू बिकम एक्सटिंक अनलेस देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन रेट इम्प्रूव दिस इंक्लूड्स एशियाटिक लाइन लाइन टेल मकाओ रेड पांडा गैन्ज रिवर डॉल्फिन वन हॉर्न डायनोसरिस स्नो लेपर्ड एंड पिंक हेडेड डक एक्सटिंक स्पीशीज आर वन विच हैव बीन रिमूव फ्रॉम द अर्थ जो अर्थ पे अब जिंदा नहीं है ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक स्पीशीज लाइक डायनासॉर्स ियन वे भी एक ऐसी स्पीशीज हैं जो अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं नाउ चिल्ड्रन लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस फिल इन द ब्लैंक्स टू कम्प्लीट द गिटें द डैश ऑफ एन एरिया आर नोन एज द फ्लोरा फ्लोरा क्या होते हैं प्लांट द प्लांट्स ऑफ एन एरिया डैश एंड डैश आर सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स तो आप यहां पर लिख सकते हो एंड डोडो लिख सकते हैं हम यहां यू कैन राइट टेस्मानियन वुल्फ ऑल्सो डैश एंड डैश आर द सम नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन तो नेचुरल कॉज क्या हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर या अर्थक्वेक्स हो सकते हैं इरप्शन भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं द ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड टू अ डिजर्ट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन लाइक दिस यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस ट्रैक योर प्रोग्रेस रेयर स्पीशीज़ चिल्ड्रन रेयर स्पीशीज़ वो होती हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट तो हैं लेकिन उनका नंबर जो है वो बहुत कम होता है ऐसी स्पीशीज़ को हम बोलते हैं रेयर स्पीशीज़ रेयर स्पीशीज़ स्टिल एग्जिस्ट टूडे बट आर वेरी लो इन नंबर तो ये एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन इनका जो नंबर होता है वो बहुत ही कम होता है जैसे गोल्डन कैट मोंगसी इंडियन पाइड हॉर्नबिल एंड हिमालयन क्रेसलेस पॉक्यूपाइन एंडेमिक स्पीशीज़ नाउ चिल्ड्रन एज द नेम इंडिकेट एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती हैं जैसे कि कैंगरू कैंगरू कहाँ पाए जाते हैं ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं इंडिया में आपको कैंगरू नहीं मिलेगा सो so, ऐसी स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में ही को ही बिलोंग करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनमल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया और कॉल्ड एंडमिक स्पीशीज दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन एंड आर फाउंड नेचुरली एंड आर नॉट फाउंड नेचुरली एनी वेयर एल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन स्टेट और अ कंट्री जैसे कि कैंग्रूव कैंग्रूव कहाँ के नेटिवस हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया के नेटिवस लेमूज आर द एंडमिक टू द आईलैंड ऑफ मैडागास्कर

उनको अननेसेसरिली कट ना किया जा सके अगर प्लांट्स हैं तो उनको कट ना किया जा सके एनिमल्स हैं तो उनकी इलीगल हंटिंग को हम रोक पाएं तभी तो हम उनकी प्रोडक्शन को उनके रिप्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं और उनकी स्पीशीज़ का डेवलपमेंट करवा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स प्रोटेक्टिंग डैम अलॉन्ग विद देयर हैबिटेट और नेचुरल एनवामेंट वेयर दे आर अडेप्टेड टू लिव

ताकि वो अपने ही नेचुरल हैबिटेट में ज़्यादा फ्लरिश कर सकें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन बिल्डिंग प्रोटेक्टिव एरिया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क एंड बायोस्फेयर रिजर्व आर सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स सो देर आर अराउंड फाइव हंड्रेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओवर हंड्रेड नेशनल पार्कस एंड एटीन बायोस्फेयर रिजर्वस इन इंडिया तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों एक ऐसा नेचुरल एरिया होता है जहाँ वाइल्ड लाइफ जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहती है यहाँ पर लोगों को प्राइवेट ओनरशिप नहीं दी जाती तो जंगल है तो जंगल को जंगल की तरह ही छोड़ दिया जाता है ताकि वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे ईज़िली सर्वाइव कर सके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज naturally occurring एरिया सच एज एन island दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर स्पीशीज फ्रॉम हंटिंग यहाँ पर हंटिंग जो है वो बिल्कुल prohibited रहती है Predation, competition और poaching ये सब चीज़ें वहाँ पर इलीगल मानी जाती हैं बिल्कुल भी नहीं करने दी जाती इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया अ geographic territory विद इन wildlife वाइल्ड लाइफ इज़ सेफ गार्ड तो वो अपने ही नेचुरल हैबिटेट में वाइल्ड लाइफ जो है वो ईजीली सर्वाइव कर सकती है तो ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इंडिया में हैं वो है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात में है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इट इज़ इन हरियाणा मधुमलाई सेंचुरी ये तमिलनाडु में है एंड पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में प्रेजेंट है नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क भी एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हंटिंग और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज जो है वो इलीगल होता है कटिंग अगर करनी भी है ट्रीज की तो वो, आ, वो की जाती है गवर्नमेंट की गाइडेंस में अ नेशनल पार्क इज अ रेगुलेटेड एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वेयर फॉरेस्ट्री ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन आर नॉट अलाउड तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है देर इज़ नो प्राइवेट ओनरशिप और राइट ऑफ दिस लैंड तो सब नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये है जिम्ड कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड नैनीताल में है ये रंथम्बोर नेशनल पार्क राजस्थान कान्हा नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में एंड सतपुरा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है न बायोस्फेयर रिजर्व बायोस्फेयर रिजर्व क्या होते हैं बच्चों ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस इज़ नॉट अलाउड लेकिन यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो रहते हैं अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनको वो दूसरों से कटे हुए होते हैं तो वहाँ पर वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं बट दूसरे ह्यूमन्स लाइक अस वी हैव डो नॉट हैव एनी ओनरशिप वहाँ पे हम ग्रेजिंग नहीं करा सकते वहाँ हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते लेकिन ट्राइबल पीपल वहाँ रहते हैं अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ अयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया सेट असाइड फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया बायोस्फेयर के बारे में हमें पता चल गया कि वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर वाइल्ड लाइफ भी प्रेजेंट है और ट्राइबल पीपल भी वहां रहते हैं There are 18 biosphere reserves in India, जैसे कि है नंदा देवी बायोस्फेयर रिजर्व पंचमार्ची बायोस्फेयर रिजर्व संदरबंस बायो रिजर्व एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिजर्व तो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं वो है डब्ल्यू डब्लू एफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आई बी डब्ल्यू एल इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एम ए बी मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज वन महोत्सव वन महोत्सव बच्चों ये एक एज अ नेम इंडिकेट वन वन मतलब क्या होता है फॉरेस्ट महोत्सव मतलब सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन ऑफ फॉरेस्ट तो इंडिया में ये जो वन महोत्सव है ये ऑब्जर्व किया जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई दैट इज़ फर्स्ट टू सेवेंथ जुलाई तक हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की सैपलिंग्स को ग्रो करते हैं तो ये प्रोग्राम हम स्कूल्स में भी चलाते हैं कॉलोनीज़ में सोसाइटीज़ में चलाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की डेवलपमेंट को एनकरेज कर सकें in india the first week of july is celebrated as one mohotsava this was initiative was launched by government of india after independence during one mohotsava sapling of different plants are planted with assistance of governmental and non-governmental organizations school children across india participate in the program film shows ted, TED talks seminars etc are conducted in schools and other पब्लिक फोरम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स तो इसमें बताया जाता है कि प्लांट्स को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली जेनरेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सके राधर देन लीडिंग टू तो डिफॉरेस्टेशन क्लिकीपीडिया साइंटिस्ट हैीन पेन्सटेकिंगली कलेक्टेड डी एन ए और जीन सैम्पल्स ऑफ एंडेंजर्ड और वालनरेबल स्पीशीज़ तो चिल्ड्रेन आज कल साइंस ने इतना ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया है कि हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का डी एन ए जो है वो सेग्रीगेट करके रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो उनका डी एन ए यूज करके वापस से हम उस स्पीशीज़ को अर्थ पर ला सकें दी सैम्पल्स एक्ट एज रिपोजिट्रीज ऑफ द जेनेटिक पूल फॉर द फ्यूचर ना मेजर एनिमल कन्जर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया तो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो है प्रोजेक्ट टाइगर तो प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि इलीगल हंटिंग ऑफ टाइगर्स की की वजह से टाइगर्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था एंड यू ऑल नो कि टाइगर्स कौन हैं टाइगर्स आर द टॉप कार्निवोर अगर टॉप तौ, तौ, कार्निवोर ही नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम जो है वो बुरी तरह से इम्बेलेंस हो जाएगा इसीलिए इनको कंजर्व करना ज़रूरी था लोगों ने तो इनकी हंटिंग करी फॉर देयर स्किन फ़ॉर देयर बोन्स लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं देते तो टाइगर्स भी, भी हमारे इंडिया से या अर्थ के फेस से वाइप आउट हो सकते थे इसीलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी था इसीलिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर

As a result the tiger population rose to around 2900 in 2018 Currently there are 52 tiger reserves in 20 Indian states with the Satpura tiger reserve showing a significant increase in tiger population Project Elephant this project was started in 1991 to 1992 to ensure long term survival of identified population of elephants in their natural habitats

रेयर स्पीशीज रेड डाटा बुक तो रेड डाटा बुक बच्चों ये आई ने मेंटेन करके रखी है जिसके अंदर हमें उन एनिमल्स के एज वेल एज उन प्लांट्स के नाम मिलते हैं जो कि या तो थ्रेटेड है और आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ दी अर्थ द आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस असेज द कन्जर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज अराउंड द वर्ल्ड तो इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं ताकि हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं उन्हें कंजर्व कर सकें और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करा सकें दिस इज डन टू हाई लाइट दोज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग देयर कंजर्वेशन आई यू सी एन मेंटेन्स अड तो इनके पास एक रेड लिस्ट होती है जिसके अंदर कंपाइल क्या किया जाता है एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज तो उसके अंदर उन सब एनिमल्स के प्लांट्स के नाम हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं इट ऑल्सो मेंटेन्स अ रेड डाटा बुक विच प्रोवाइड्स डाटा ऑन पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज इंक्लूडिंग द रेड लिस्ट तो यहाँ पर हमें सारी की सारी लिस्ट मिल जाती है उन एनिमल्स की जो या तो एंडेंजर्ड है थ्रेट हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं The species listed in Red Data Book are classified into different categories based on their risk of extinction, such as extinct, critically endangered, endangered and vulnerable. The Red List and the Red Data Book are revised periodically. तो जैसे-जैसे किसी भी इस्पीशी की पापुलेशन इंक्रीज होती है, तो हम इसके अंदर अपनी लिस्ट के अंदर चेंजेस जो हैं वो बना लेते हैं। According to the latest IUCN Red List of Threatened Species

या इवन फिशेज दे ऑल्सो माइग्रेट कि जब उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती ऑफ सर्वाइवल जैसे कि कंडीशंस कैसी हो जाती हैं हार्श वेदर कंडीशंस हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उनको वो फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं विच इज़ नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज माइग्रेशन मैनी स्पीशीज नू फ्रॉम वन रीजन टू अनादर एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर टू एस्केप हार्श वैदर कंडीशंस और ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन एंड सच स्पीशीज आर कॉल्ड एज माइग्रेटरी स्पीशीज वेरियस माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच डिफरेंट डेस्टिनेशंस इन सर्च ऑफ वार्म, फूड एंड सेफ प्लेसेस टू ब्रीड और रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर तो जैसे कि हम बात करें कि ग्रेट फ्लैमेंगो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है माइग्रेटरी बर्ड्स का जो माइग्रेट करती हैं इंडिया में From northern region of Asia during winters, it is found in Thal Bird Sanctuary in Gujarat throughout the winter season. ऐसे ही साइबेरियन क्रेन वो इतना लंबा कर इतना लंबा रास्ता तय कर कर आते हैं फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया जस्ट टू एस्केप दार्श वेदर कंडीशन रिफॉरस्टेशन चिल्ड्रन रिफॉरस्टेशन एज द नेम इंडिकेट कि दोबारा से फॉरेस्ट को उगाना बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज वी कैन अचीव दिस एम हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि जब हम बहुत सारे प्लांट्स को उगाते हैं तो उनसे क्या होगा फॉरेस्ट फॉरेस्ट अपने आप में ही एक नेचुरल रिसोर्स है अगर हम किसी लैंड को छोड़ देते हैं अनटच तो हम क्या देखते हैं वहां पे प्लांट्स का ग्रोथ अपने आप ही हो जाता है बट अगर हमें अपने सर्वाइवल रेट के लिए अगर हमें पल्यूशन का लेवल कम करना है ग्लोबल वॉर्मिंग को कम करना है तो हमारी नेसेसिटी है कि हम ज्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं ज़्यादा से ज्यादा प्लांट्स का डेवलपमेंट हम करवाएं रिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया वेयर द फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एमिंग टू रिस्टोर द फॉरेस्ट कवर बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इट इज़ अ प्रैक्टिस दैट कम्बैट्स डिफॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग सेवरल ट्रीज आइडली ऑफ सेम स्पीशीज ओरिजिनली फाउंड इन दैट एरिया Although forests have been a natural capacity to reestablish themselves, the extent of deforestation make it necessary to plant more actively. Recycling of paper, तो so, children jo aap wood hai paper paper किससे बनता है? paper बनता है wood से। और wood हमें कहाँ से मिलती है? by cutting down of trees। तो so, अगर हम बार-बार पेड़ों को काटते रहेंगे for papers, तो क्या होगा? it will lead to deforestation. इसीलिए हमें पेपर को रिसाइकिल कर लेना चाहिए ताकि हम उसे ही बार बार यूज कर सकें रादर देन कटिंग डाउन द फॉरेस्ट वुड इज रिक्वायर्ड टू मेक पेपर एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन फॉर इट्स प्रोडक्शन इट टेक्स अबाउट सेवेंटीन ट्रीज टू मेक वन टन ऑफ पेपर केनफ मेम्बर ऑफ हिबिस्कस फैमिली इज इंक्रीजिंगली बींग यूज इन पेपर प्रोडक्शन अलॉन्ग विद स्ट्रॉ कॉटन एंड शुगर केन ड्राफ्ट

And in recent years, paper recycling has increased. We can recycle old newspapers, notebooks, and used envelopes. A piece of paper can be recycled five to seven times. Recycling paper helps reduce the hazardous effects of chemical used in paper production. Now have a look on Wonderbox children. K. Ullas Karnat is one of the world's leading tiger conservation experts. Have a look on keywords flora the plant species of a particular region fauna the animal species of a particular region desertification the gradual transformation of fertile land into useless track of land or a desert poaching the act of illegal hunting killing and selling of wildlife species for monetary or materialistic gains endangered species plants and animals that are in danger of becoming extinct in near future endemic species plants and animals that are exclusively found in a particular region biosphere reserve a large area that offers protection to plants animals microbes and also tribal communities that may exist in the forest area now have a look on question answers children करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन इज प्लांटिंग ट्रीज ऑन लार्ज स्केल टू रीजेनरेट फॉरेस्ट इज कॉल्ड ए फॉरेस्टेशन एनिमल स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एज फोना हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ स्पीशीज है हम बोलते हैं पोचिंग काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है इट इज लोकेटेड इन असम. डैश हेल्थ इन मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर तो इकोसिस्टम हेल्थ इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर द स्पीशीज फेसिंग अर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर एन डेंजर्ड Dash National Park is in Uttarakhand. It is Jim Corbett. The full form of IUCN is International Union for Conservation. Of nature and natural resources. Species completely wiped out from the planet of Earth are called as extinct species. State whether the following statements are true or false. Flora and fauna are evenly distributed throughout the world no this is false removal of one species from ecosystem affects the whole ecosystem yes it is true there are about 441 national parks in india no this is false the dodo is an example of extinct species yes it is true IUCN stands for international union for conservation of nature as well as natural resource yes it is true with this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.